आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। आज महापर्व छठ का तीसरा दिन है। आज के दिन व्रती ढलते सूरज को नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं। बता दें, इस पूजा में व्रती बांस की टोकरी और सूप लेकर उसमें 5 तरीके का फल और पूजा का सारा सामान लेकर जाते हैं। अर्घ देते हुए पूजा करने के बाद सारा सामान लेकर घर आते हैं, पूरी रात जागते हैं, छठी माता के गीत गाए जाते हैं। वहीं इस पर्व को लेकर पूरे देश में धूम मची हुई है। हर तरह पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कानपुर में आस्था का महापर्व छठ नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है। घाटों से व्रती महिलाएं गंगा जल पात्र में भरकर घर ले गईं। इसी जल से महिलाओं ने खरना पूजन किया और भोग व पकवान तैयार किए। इसके बाद व्रती महिलाएं आज अस्त चलगामी सूर्य को अर्घ और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ पर्व का समापन करेंगी। ये पनकी मंदिर घाट है और यहाँ के जो व्यवस्थापक व्यवस्था का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उमा शंकर यादव। और यहाँ पे छठ पूजा जो है 47वां साल है अब की बार। तो यहाँ पे जो है इतना बड़ा 1.5 लाख के लगभग लोगों की यहाँ पे भीड़ होती है और यहाँ पूरी पुलिस प्रशासन से लेके हमारे विधायिका, विधायक, सांसद, ये सभी लोग यहाँ पे पूरी मदद करते हैं, फाइनेंशियली भी मदद करते हैं और मतलब और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मदद होती है जी। हमारा ये तो मतलब 3 दिन का त्योहार चलने वाला है, 3 दिन का व्रत हो जाता है। हम लोग का नहाए खाए से शुरू होता है जो कि दूसरे दिन हम लोग खरना के रूप में मनाते हैं और तीसरा दिन जो है कि हम लोग डूबते हुए सूरज को जल चढ़ा करके वो करते हैं। और चौथे दिन जो होता है हम लोग उगते हुए सूरज को जब अर्घ दे देते हैं उसके बाद हम लोग आकर के घर पे कुछ चाय पानी या कुछ भी खाते हैं। कोषाध्यक्ष हूँ, यह हमारी समिति पूर्वांचल भोजपुरी छठ पूजा सेवा समिति के नाम। लोक आस्था का महापर्व में कितने भोजपुरी कलाकार शामिल होंगे, क्या व्यवस्था रखी गई पनकी घाट पर? ये हमारे पनकी घाट पर किस तरह से व्यवस्थाएं रखी गई हैं? नहीं, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अच्छा रखे गए हैं। यहाँ 2-3 नाव, गोताखोर और बैरिकेटिंग और बल्ली लगाई गई है, रस्सी वस्सी बांधी गई है ताकि कोई भी महिला व्रती अंदर ना घुस सके। मैनपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 107 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज रात्रि में एक अभियान यहाँ पे चला गया पूरे जनपद के सभी 13 थानों में। उसमें ये अभियान NBW के अरेस्ट के लिए था और भी जितने वांछित हों, जिलाबदर हो, इनामी हो, सबके लिए अभियान चलाया गया। और इस अभियान में एक बड़ी कामयाबी मैनपुरी पुलिस को मिली है। कुल 107 इस तरह के अपराधी रात में गिरफ्तार हुए। इस प्रकार आप देखेंगे कि मात्र 12 घंटे में 107 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इस प्रकार का अभियान हम समय समय पर चलाते रहते हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई मैनपुरी पुलिस द्वारा की गई। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, थाना क्षेत्र कुरावली में पुलिस ने एक युवक की लाखों की संपत्ति कुर्क की है। वहीं आरोपी के ऊपर पहले से ही किसी मामले में केस दर्ज था। आज थाना कुरावली के ग्राम कुंवरपुर के अंतर्गत एक गैंगस्टर की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। करीब 20 लाख मूल्य का इसका एक आवासीय मकान था जिसको जब्त किया गया है। इस पे गैंगस्टर की धारा 14(1) लगाई गई थी और ये देखा जाए तो जो भी इस तरह के अपराधी है हम लोग केवल उनको उस अपराध में जेल भेजने की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके द्वारा अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण की भी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि फिर वो अपराध में सक्रिय न हो। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए कुल 20 लाख कीमत का एक मकान आदि इनका जब्त किया गया है।
बांदा में अतर्रा थाना क्षेत्र के ओरन रोड के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिससे बस में सवार एक दर्जन यात्री घायल हो गए। मौजूदा लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने घायलों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी के बाद घायलों का हालचाल जानने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट जिला अस्पताल पर पहुंचे। ये थाना अतर्रा के अंतर्गत अतर्रा से ओरन के बीच में प्राइवेट बस संचालित होती है। आज लगभग 5 बजे के आसपास 25 सवारी लेकर एक बस जा रही थी, संतुलन बिगड़ने से खाई में गिर गई, जिसमें से लगभग 13 लोग इंजर्ड हो गए। तत्काल सभी को PRB स्थानीय पुलिस की मदद से CSC अतर्रा भिजवा दिया गया है, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर है। ये जी अतर्रा से ओरन जा रही थी, फिर तो कैसे घटना हो गई, क्या बताएं, जो रास्ते में हो गई निंगवार के आगे। कितने लोग थे बस में? लगभग 65 लोग थे लगभग, हमारे 60 रहे हो, 65 सवार। घायल कितने हो गए? हमारे 50 संभाल रहा था नंदन मऊ के लिए, बस गांव जा रहा था। तो कैसे बस पलट गई, कुछ जानकारी? ड्राइवर बोल रहे हैं दारू पिए था तो पूरी बस खाई में चली गई। कितने लोग आप लोग बस में थे? बस में 60-65 लोग थे, 70 लोग थे। अच्छा, बस पलटने में कुछ लोग घायल भी हो, कितने लगभग घायल हो गए? घायल उसमें 10-12 लोग घायल। मैनपुरी में कुर्रा क्षेत्र के बेलिंदा नहर पुल के पास अज्ञात युवक ने इटावा के थाना चौबिया के गांव नगला निवासी युवक को अज्ञात युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जांच की तो मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल से हत्या का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह को एक राजेश यादव, उम्र करीब 45 वर्ष होगी, इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। कुर्रा में इनका हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें जो हत्या अभियुक्त था शैलेंद्र यादव, मैं अलाकतल तमंचा गिरफ्तार हुआ आज, और उसने पूरा घटना में अपना जुर्म कबूल किया है। घटना के पीछे जो वजह बताई गई, एक महिला को लेकर हत्या हुई थी और उस महिला से संपर्क न कर सके और या इसके संपर्क में बाधक न बने, इसलिए उसने यह प्लान करके उसकी हत्या की। मैनपुरी पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया, जो क्रेडिट कार्ड से लोगों के बैंक खातों में जमा उनकी कमाई को जालसाजी कर निकालने का काम करता था। SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस की साइबर सेल की टीम ने आरोपी के पास जालसाजी कर 57,000 रुपये भी बरामद किए हैं। द्वारा एक फ्रॉड का मामला अभी उसका पर्दाफाश किया गया है। इसमें 20 तारीख को एक अनुराग नामक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड से 61,000 रुपये एक व्यक्ति ने फ्रॉड करके निकाल लिया था, ऑनलाइन फ्रॉड करके, और उसका क्रेडिट कार्ड के सारी जानकारी लेकर उसको आज गिरफ्तार किया गया है। और उसके पास से जो पूरा इसने 61,000 रुपये निकाला था, उसमें से 57,000 रुपये पुलिस ने रिकवरी की है। इस प्रकार एक अच्छी सराहनीय कार्रवाई कोतवाली पुलिस और हमारी SOG टीम ने किया। गोंडा में कनलगंज क्षेत्र के पशु चिकित्सालय में हालत बस से बदतर होती जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक पशु लगभग 12 दिन पहले अस्पताल में लाया गया था, जो इलाज के अभाव और भूख से पशु की हालत बिगड़ रही है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी रविंद्र सिंह राठौर ने बताया कि अस्पताल में पशुओं को भर्ती करके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही पशुओं के चारे की कोई व्यवस्था की गई है। ये गोवंश जो है एक्सीडेंटल था, तो इसको बाहर नहीं छोड़ सकते थे, हम लोगों ने इंडोर कर लिया था। और उसको चूँकि इंटरनल इंजरी है और बाहर से भी इंजरी है, तो उसको प्रॉपर जो है लिक्विड पे रख रहे हैं हम लोग, और प्रॉपरली पर डे जो है इलाज हो रहा है। इसमें कोई लापरवाही नहीं। स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है गोवंश का कोई देख रेख नहीं होता, लावारिस अवस्था में पड़ी हुई है। नहीं, लावारिस नहीं है, हम लोग यहाँ रहते हैं, मैं तो कैंपस में देख रहा हूँ, मैं सुबह शाम देख रहा हूँ, तो इसमें लावारिस क्या करें, लावारिस नहीं कह सकते। है वो देख रेख में है, चूँकि इंजर्ड है तो जितनी अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो सकती है, बोतल भी चढ़ती हैं हम लोग, लिक्विड चढ़ाते हैं ऐसी स्थिति में। कासगंज में वहोटा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।